कंपेटिटर एनालिसिस जो है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, और कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं। एसईओ में एक चीज़ आप लोग जहन में रखिए कि शायद आपने और भी ट्रेनर्स देखे होंगे एसईओ करवाते हैं या डिफरेंट जगहों पे सुना होगा कि लोग डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं। पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मैंने जैसे पहले बोला था फर्स्ट लेक्चर में भी कि मैनुअल वर्क करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और एक कीवर्ड को चेक करना, उसके कंपेटिटर्स निकालना, फिर उसके सारे मैट्रिक्स देखना कि ये रैंक हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके लिए डोमेन कौन सी लेनी चाहिए, ये एक बड़ा हेक्टिक वर्क है, ठीक है। और ये बहुत ही टफ काम है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। इसके अगेंस्ट अगर आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं, ठीक है, और आप उसको एक कीवर्ड देते हैं कि मुझे इसके रिलेटेड देखना है कि रैंक हो सकता है कि नहीं, तो विद इन 1 मिनट आपको वो दिखा देता है कि आप ये रैंक कर सकते हो कि नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस फर्स्ट स्टेप पे इतना ज़्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारा काम है, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट लिखना, उसको अरेंज करना, फिर उसका बैकलिंक प्लान बनाना, फिर उसका लिंक प्रोफाइल और लिंक डाइवर्सिटी, लिंक वेलोसिटी, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। तो बजाय इसके कि आप 15-20 दिन या 1 माह इसी चीज़ में लगा दें कि यार मैंने 50 कीवर्ड निकालने हैं और हर एक का मैंने अलग अलग कंपटीशन चेक करना है, तो ये बड़ा टफ काम है। इस चीज़ से आप बचें। आपको चाहिए कि जो टूल मैं रिकमेंड करूं आप वो टूल अरेंज करें, उस टूल की मदद से आप लोग रिसर्च करें और आगे कीवर्ड्स निकालें। कीवर्ड आइडियाज़ के लिए हम लोग जो है, कल हमने देखा था जो उस पे विकी हाउ पे जाके मैंने बोला था आपको, विकी हाउ से जाके आप टॉपिक सर्च करें और वहां से जो है आप डिफरेंट किस्म के कीवर्ड्स निकालें। आज हम लोग जो है विकी हाउ से ही देख लेंगे, और साथ उसके जो टूल मैं आपको यूज़ करवाऊंगा दैट इज़ लॉन्ग टेल प्रो, और लॉन्ग टेल प्रो से आपको वो एक कीवर्ड का कंपटीशन शो करेगा। सही है, कीवर्ड कंपटीशन केसी उसको बोलते हैं। 2 मैट्रिक्स होते हैं कीवर्ड्स के लिए। इससे भी थोड़ा बैकएंड पे पहले जाना चाहूँगा मैं, इससे पहले एसईओ में, एसईओ की दुनिया में कौन कौन सी कंपनीज हैं। सबसे पहला नाम गूगल का है, गूगल आप सब लोग उसको जानते हैं। उसके बाद सेकंड नेम जो है वो मोज का है, MOZ, मोज। मोज जो है वो रैंड फिशकिन की कंपनी है, वो भी बंदा जो है एक मतलब सर्च इंजन इंजीनियर है, और उसकी आगे टीम है। उन लोगों ने एक मोज के नाम से प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि पूरी एसईओ सर्विसेज वगैरह रिलेटेड टूल्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मेजेस्टिक एसईओ है, ठीक है। गाइस अभी क्वेश्चन ना रेज करें, आई विल नॉट आंसर क्वेश्चन, इंशाल्लाह हम लोग एंड पे लेंगे। फिलहाल आप लोग इसको समझ लें क्या चीज़ है। जो है इसके बाद मोज के बाद आ जाता है मेजेस्टिक एसईओ। मेजेस्टिक एसईओ बेसिकली लिंक एनालिसिस टूल है, बैकलिंक चेक करना और ये सारी चीज़ें। अब उसमें कीवर्ड का भी टूल आ चुका है, वो भी यूज़ किया जा सकता है। मेजेस्टिक के साथ एक और टूल आता है जिसका नाम है SEM रश, ठीक है। SEMrush.com पे जाके आप साइन अप करके फ्री प्रोफाइल भी बना सकते हैं। SEMrush जो है वो मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे एडवांस टूल है फॉर कीवर्ड रिसर्च। उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर आपको लाइव डाटा मिलता है। SEMrush एक ऐसा टूल है जो आपको डेली बेसिस पे चीज़ें दिखाता है और आवरली बेसिस पे दिखाता है। अगर मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ 1 बाय 1 ये सारी साइट्स ओपन करके, पहले मैं देख लूं बैकएंड पे। moz.com, चलिए लेट मी शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन बता दीजिएगा जी, शो हो रही है तो? जी विजिबल हो रही है जी। ओके फाइन फाइन, मोज़ आ गया जी। सेकंड पे आ जाता है मेजेस्टिक एसईओ। इसके बाद आता है सेम रश, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको अभी बताया मोज,
यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ओके, प्रोडक्ट्स टू पावर योर ऑनलाइन विजिबिलिटी, ठीक है, मतलब मोज के अंदर एक ऐसे ऐसे उन्होंने प्रोडक्ट्स और टूल्स बनाए हैं जिसकी वजह से आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी जो सर्च इंजन के अंदर विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो मोज के अंदर लोकल टूल भी है, जैसे मैंने कल लोकल एसईओ की बात की, ठीक है, मोज प्रो में जब आप जाएंगे तो उसके प्रोफेशनल टूल्स हैं और इसमें यहाँ पर कुछ फ्री टूल्स भी हैं जो कि आप लोग फ्रीली यूज कर सकते हैं। और इसमें जो ज्यादा ये देखिए कीवर्ड एक्सप्लोरर है इनका, ठीक है, और लोकल में फिर बिजनेसेस वगैरह आ जाते हैं। और अगर मैं इसमें प्रो में जाता हूँ, ये मोज प्रो में देखें ओपन साइट एक्सप्लोरर, मोज बार जो हमने कल देख रहे थे, और कीवर्ड एक्सप्लोरर, ये इनके टूल्स आ गए। लोकल का मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को, क्योंकि इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, तो ये हम लोग छोड़ देंगे, लोकल एसईओ नहीं हम लोग डिस्कस कर रहे, ये लोकल एंटरप्राइज बिजनेस लिस्टिंग वगैरह इससे होता है। और फ्री टूल्स में ये नया पेज इसका ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, ये एसईओ के लिए इनके फ्री टूल्स हैं, ओपन साइट एक्सप्लोरर, कीवर्ड एक्सप्लोरर और मोज बार। कीवर्ड एक्सप्लोरर क्या है, लेवरेज द लार्जेस्ट मोस्ट एक्यूरेट सर्च इंजन डेटाबेस टू डिस्कवर एंड प्रायोरिटाइज द बेस्ट कीवर्ड्स फॉर योर साइट, ठीक है, ये आपकी साइट के लिए बेस्ट कीवर्ड्स एक्सप्लोर करने के लिए ये टूल आपको हेल्प दे सकता है। तो हम लोग इसको भी ओपन कर लेते हैं, और इसके बाद ये टूल है जी मेजेस्टिक एसईओ। मेजेस्टिक एसईओ में कंपेटिटर एनालिसिस में यूज होता है, जब आप लोग एक साइट पे कीवर्ड आप डाल लोगे और आप फिर उस कीवर्ड के अगेंस्ट देखोगे कौन कौन रैंक है, ठीक है, और उसकी रैंकिंग के बाद आप उस कंपेटिटर का लिंक यहाँ पे दोगे, तो लिंक दोगे तो ये उसके बैकलिंक्स बता देगा आपको कि उसके कितने बैकलिंक्स हैं। तो मैं कोई साइट दे दूंगा इसमें चेक करने के लिए, चलें अपनी साइट ही दे देते हैं, इसकी वैसे एसईओ की तो नहीं हुई लेकिन कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये अगर हम इसको सर्च करते हैं, इनकी बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, जस्ट इसको थोड़ा देखेंगे कि उसमें क्या चीज है, ठीक है जी। इसके 478 एक्सटर्नल बैकलिंक्स हैं, मुझे नहीं पता किसने बनाए हैं, इसका ट्रस्ट फ्लो होना नहीं चाहिए, ये एक्सटर्नल बता रहा है ना, जो यहाँ पर काम बता रहे जी, इफ यू वांट टू स्विच द डोमेन, ये रूट डोमेन के हैं एग्जैक्टली। तो ये है जी, इसके 3 रेफरिंग डोमेन्स हैं, 3 इसके आईपीज हैं, 3 सबनेट हैं, मतलब इसमें अगर आप नीचे आएंगे ये एंकर टेक्स्ट आ जाता है। यहाँ से आप देखते हैं कि आपका जो कंपेटिटर है वो कौन सा कीवर्ड यूज कर रहा है लिंक बनाने के लिए, सही। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं यूज किया क्योंकि इसकी एसईओ वगैरह कोई नहीं करते, ये बस जो लोग इसको शेयर कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उसका आ रहा है। imansoor.com 33%, मतलब बैकलिंक जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें सारा इन डिटेल देखेंगे। इससे ये होता है कि जब आप अपनी साइट को सर्च इंजन के ऊपर सबमिट करेंगे और उसके बाद उसके लिंक्स बनाएंगे, तो देन आप अपने कंपेटिटर का लिंक यहाँ पे डालेंगे और देखेंगे कि वो किस किस कीवर्ड के लिए बैकलिंक बना रहा है, यहाँ पे परसेंटेज शो होगी, तो उन्हीं परसेंटेज को देख के आप भी लिंक्स बनाएंगे ताकि आप उसकी जगह ले सकें, ठीक है। ये इस तरह से इसका एक प्लान होता है। और imansoor.com पे लिंक्स इसलिए हैं कि ये ड्रॉप डोमेन थी, मतलब पहले किसी के पास थी, किसी चाइनीज के पास आई थिंक, तो मेरा नाम मंसूर था तो मैंने जब imansoor लिखा तो वो मुझे मिल गई, लेकिन ये एक्सपायर्ड थी तो इस पर ये पहले ही किसी ने ये लिंक्स बनाए हैं रशियन वगैरह, तो मुझे ऐसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये पर्सनल ब्लॉग है, ये एसईओ या रैंकिंग के लिए नहीं बनाया गया। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जी एसईएम रश। जी चैट में क्या आ रहा है, ऑल रेसिपीज। अच्छा जी, ये बिलाल ने एक लिंक दिया है जी चेक करने के लिए, allrecipes.com, ठीक है जी। ठीक है जी, बिल्कुल न्यू साइट है ये भी, और एक बैकलिंक है इसका, साइटेशन फ्लोटर्स प्रो, इस चीज को भी छोड़ दें, ठीक है, और एंकर टेक्स्ट जस्ट एक allrecipes.com है क्योंकि एक ही लिंक बना है, ठीक है।
तो यहाँ से आपको पूरी इसकी डिटेल मिल जाती है, ये नीचे लिंक्स आ जाते हैं कि कहाँ पे बने, यहाँ पर डिस्कशन में इस पोस्ट के ऊपर जाके अगर आप इसको देखें खोलें तो यहाँ पर कहीं इसने लिखा होगा रेसिपीज वाले ने। कंट्रोल एफ करता हूँ मैं और कहीं इसने लिंक वगैरह दिया हुआ है इस पेज के ऊपर, अगर आप इसको देखेंगे एक्सप्लोर करेंगे, ये देखिए आ रहा है ठीक है। ऑल रेसिपीज, ये allrecipes.com का जो एक लिंक बना था वो इस साइट पे बना हुआ है। ये बेसिकली एक ओवरव्यू देख लें कि ये एक फर्ज करें आपका कंपेटिटर था ऑल रेसिपीज, सही है, तो आपने जाके देखा कि उसने कहाँ पे लिंक बनाया, उसने यहाँ पे लिंक बनाया, आप उसी जगह पे गए और आपने देखा हाँ उसका लिंक वहाँ पे पड़ा है, तो आप भी यहाँ पे लिंक बना देंगे ठीक है। तो आप अपने कंपेटिटर को इस तरह से ट्रैक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे लिंक बना के वो बंदा रैंक है, उसी तरह के लिंक्स आप लोग भी बनाते हैं। तो ये हम लोग बेसिकली आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हमारा बैक लिंक वाला सेक्शन आएगा। बेशम लिंक रेलिवेंस एंड इस तरह की अपडेटेड या अपग्रेडेड टर्म्स में यूज नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो बाद की चीजें हैं, अभी जस्ट हम टूल्स को थोड़ा सा देख रहे हैं क्या करते हैं।